से बचाव को लेकर शुक्रवार को भागलपुर की सड़कों पर पुलिस कप्तान आशीष भारती खुद पुलिस कर्मियों के साथ उतर गए। इस दौरान एसएसपी आशीष भारती ने माइकिंग कर कोरोना वायरस के संक्रमण से आम लोगों को अवगत कराया। एसएसपी ने कहा कि कोरोना वायरस एक खतरनाक बीमारी है जो संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से फैलता है। एसएसपी ने भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च में शामिल होकर शहर के विभिन्न इलाकों में गए और लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। वहीं एसएसपी आशीष भारती का काफिला जिस ओर से गुजर रहा था उस इलाके के सभी लोग अपने अपने घरों में दुबके रहे। लॉकडाउन के दौरान जहां लोगों को घरों से निकलने की पाबंदी है, वहीं गुरुवार की रात शबे बारात के मौके पर हबीबपुर के मोमिन टोला स्थित कब्रिस्तान और मजार पर कुछ लोग भीड़ इकट्ठा कर फतिया पढ़ने जुट गए थे। जब पुलिस को भीड़ जमा होने की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंचकर लोगों को भीड़ एकत्र नहीं करने की बात कही। इसी दौरान भीड़ में शामिल कुछ असामाजिक तत्व के लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, असामाजिक तत्वों ने इबादत के नाम पर जमकर गुंडागर्दी करते हुए पुलिस पर पथराव और गोली चला दी। हालांकि गोलीबारी की घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, जबकि पथराव में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज कई थानों की पुलिस के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराया। सिटी एसपी ने कहा कि इबादत के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। घटना में शामिल बदमाशों की पहचान वीडियो फुटेज के आधार पर की जा रही है, जिस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, साथ ही पुलिस लोगों की हर हरकत पर नजर रख रही है। एक तरफ कोरोना वायरस का कहर तो दूसरी तरफ राइस मिल के संचालक खाद्यान्न की जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। बांका एसपी अरविंद कुमार गुप्ता को बौंसी श्याम बाजार स्थित भगवती राइस मिल से अनाज के बड़े पैमाने पर कालाबाजारी की गुप्त सूचना मिली थी, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर बाराहाट एवं बौंसी पुलिस ने एमओ के साथ संयुक्त रूप से राइस मिल में छापेमारी अभियान चलाया। वहीं छापेमारी की भनक लगते ही राइस मिल का संचालक सनोज चौधरी मौके से फरार हो गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने राइस मिल से 250 क्विंटल चावल को जब्त किया है। 4 घंटे तक चली छापेमारी अभियान में पुलिस की टीम मकान के सबसे पिछले हिस्से में पहुंची, जहां गेट पर ताला लटका हुआ था, जिसके बाद मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में गैस कटर से ताला को काटा गया। वहीं जब सभी पुलिसकर्मी अंदर गए तो सरकारी अनाज की बोरियों में 580 पैकेट अनाज बरामद किया गया। एमओ ने बताया कि राइस मिल एवं संचालक के आवास की बारीकी से जांच की गई, जिसमें आवास के नीचे ताखाना बनाकर चावल को स्टॉक किया जाता था। पैक्स अध्यक्ष एवं एसएफसी से साठगांठ होने के कारण सस्ते दर पर संचालक चावल का उठाव कर लेता था, जिसके बाद नए बोरियों में भरकर ऊंचे दाम में बाजारों में बेच देता था। छापेमारी के दौरान कई सफेदपोश मामले की लीपापोती करने में जुट गए, लेकिन छापेमारी टीम में शामिल अधिकारी मुख्यालय को पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। फिलहाल मजिस्ट्रेट की निगरानी में राइस मिल को सील कर संचालक सनोज चौधरी पर FIR दर्ज कराया गया है। छापेमारी अभियान में BDO गोपीनाथ मंडल, बौंसी थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव, परीक्षित पासवान, MO उमाकांत शर्मा सहित काफी संख्या में पुलिस जवान मौजूद थे। एक तरफ लॉकडाउन ने पुलिस प्रशासन की मुश्किलें बढ़ा दी है तो दूसरी तरफ पारिवारिक झगड़े को सुलझाने में पुलिस का पसीना छूट रहा है। भागलपुर ततारपुर थाना क्षेत्र के काजवली चक इलाके में शुक्रवार को कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली, जहां आपस में ही लोग एक दूसरे से भिड़ गए और पत्थरबाजी शुरू कर दी। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान के समीप गुरुवार की देर रात 3 परिवारों के बीच राहत सामग्री वितरण मामले को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया और पारिवारिक रिश्तों को दरकिनार करते हुए लोगों ने एक दूसरे के मकान पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। वहीं शुक्रवार की सुबह एक बार फिर झगड़ा शुरू हो गया, जिसके बाद ततारपुर थाना अध्यक्ष सुबोध कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और उत्पात मचाने वाले परिवारों को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद थानाध्यक्ष ने गली में घूम घूम कर लोगों को चेतावनी दी और कहा कि कानून तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ततारपुर पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है और गली में लगे CCTV फुटेज को खंगाल रही है। कुछ नहीं सर, हम लोग घर में थे, मेरे घर में जेंट्स नहीं था। ये लोग मारा चंदन सिंह, कौशल सिंह, सदानंद सिंह, मृत्युंजय सिंह,
धनंजय सिंह, मृत्युंजय सिंह और छोटुआ मौगी सब बोलता है, नीतू देवी, नीतू देवी, सोनी देवी, पूजा देवी, सब क्या चीज का झगड़ा है कुछ नहीं सर, राशन वाला मुझे भीख मांगता था राशन, तो मेरा भाई खाली सिर्फ वीडियो किया है इसलिए सब मानने के लिए दौरा। लॉकडाउन के कारण देश भर में रेल परिचालन के ठप होने से जहां आम लोगों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 21 दिनों के लॉकडाउन की अवधि 14 अप्रैल को पूरी हो जाएगी। रेल कर्मियों के साथ आम लोग भी रेल परिचालन शुरू होने को लेकर असमंजस में हैं। एक ओर जहां लॉकडाउन से पूरा स्टेशन परिसर यात्रियों से वीरान पड़ा हुआ है, वहीं सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। लॉकडाउन समाप्त होने को लेकर सरकार द्वारा अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल से 21 अप्रैल तक ट्रेनों के परिचालन की तैयारी रखने का निर्देश रेलवे के अधिकारियों द्वारा दिया गया है। हालांकि लॉकडाउन खुलने या ट्रेनों के परिचालन शुरू करने को लेकर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया जाएगा। हालांकि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ाने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की तरह भागलपुर जेल में जेल कर्मियों एवं अधिकारियों को कोरोना संदिग्ध मरीज से व्यवहार का तरीका मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखाया गया। इसके लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर आए कक्षपाल और जेलर ने मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया। इस दौरान वहां मौजूद जेल कर्मियों को बारीकी से बिना घबराए कोरोना संदिग्ध को काबू में करने और उसे अस्पताल तक पहुँचाने के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान जेलकर्मी के द्वारा इसकी वीडियो बनाई गई, जिसके बाद जेलकर्मी ने मॉक ड्रिल की वीडियो को अपने कुछ साथियों को भेजा, जो देखते ही देखते पूरे राज्य में वायरल होने लगी। साकुंड बाजार में शुक्रवार को मुन्ना यादव के चाय की दुकान पर गैस सिलेंडर फटने से आग लग गई। आग लगने से दुकानदार बुरी तरह झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मकनपुर निवासी मुन्ना यादव रोज की तरह अपने चाय की दुकान पर चाय बना रहा था, तभी गैस सिलेंडर विस्फोट कर गया। इसके बाद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई और दुकानदार बुरी तरह जख्मी हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आग पर किसी तरह काबू पाया। घटना की जानकारी मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन सा मौके पर पहुंचे और घायल दुकानदार को हर संभव सहायता देने की बात कही। शिकायत DSP को, SP साहब को, DIG साहब को, DM साहब को, सभी को कह दिया, लेकिन सुनने वाले कहाँ कोई है, कोई सुनता नहीं है। अफसर शाही खुलेआम है, यहाँ जनता को कोई सुनता है, गरीब का कोई सुनता है, कोई सुनने वाला है? आप जाके बोलिए, आप ही को 5 घंटा देगा। मालदा रेल मंडल अंतर्गत भागलपुर रेलवे स्टेशन के कोचिंग यार्ड डिपो में 9 आइसोलेशन कोच का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। रेल अधिकारियों का आदेश प्राप्त होते ही सभी तैयार आइसोलेशन कोच को रवाना कर दिया जाएगा। ADME तरुण भट्टाचार्य और सेक्शन इंजीनियर अख्तर हुसैन की निगरानी में आइसोलेशन कोच को तैयार किया गया है। दरअसल मालदा मंडल रेल डिवीजन को 10 अप्रैल तक कोच तैयार करने की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जिसे समय से पूर्व ही पूरा कर लिया गया है। COVID-19 आइसोलेशन कोच में कोरोना संक्रमित मरीजों की सुविधा एवं सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं सीनियर सेक्शन इंजीनियर अख्तर हुसैन ने कहा कि रेल कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए कोचिंग डिपो में मास्क तैयार कराया जा रहा है, जो सभी कर्मियों को उपलब्ध कराया जाएगा। इधर तरुण भट्टाचार्य ने कहा कि डिवीजन से मिले निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं सभी से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर कार्य करने की अपील भी की जा रही है। कोरोना संकट के मद्देनजर देश में 14 अप्रैल तक घोषित 21 दिन के लॉकडाउन में अब सिर्फ 5 दिन शेष रह गए हैं। वहीं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा लॉकडाउन बढ़ाने की बात कही जा रही है। लॉकडाउन के 17वें दिन भागलपुर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने काफी सख्ती दिखाई और सड़क पर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को जमकर हड़काया। इस दौरान खलीफाबाग चौक, ततारपुर चौक, तिलका मांझी चौक और स्टेशन चौक पर ड्यूटी में तैनात अधिकारियों ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई भी की, साथ ही वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला। इसके बाद पुलिस कर्मियों ने कोरोना वायरस से बचाव को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए घर से बेवजह नहीं निकलने की अपील की।
लॉकडाउन के कारण लोग भूखे रहने को मजबूर हैं। ऐसे में लोगों की मदद के लिए कई सामाजिक संगठन के साथ क्षेत्र के थानेदार भी राहत सामग्री का वितरण कर रहे हैं, जिससे लोगों को भूखे पेट ना सोना पड़े। शुक्रवार को जगदीशपुर थाना अध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी ने भवानीपुर पंचायत के देसरी स्थित महादली टोला में जरूरतमंद परिवार के बीच खाद्यान्न सामग्री का वितरण किया। साथ ही जगदीशपुर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी ब्रजभूषण मंडल ने जरूरतमंद एवं बीमार लोगों के बीच दवा बांटा। इस दौरान सभी लोगों से लॉकडाउन का पालन करने एवं एक दूसरे से दूरी बनाकर रहने की बात कही। वहीं बांका के सुइया में नक्सल प्रभावित जरूरतमंद लोगों के बीच एसएसबी जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाद्य सामग्री बांटा। कमांडेंट विनय कुमार सिंह के निर्देश पर सुइया इंस्पेक्टर जीडी सिकंदर कुमार ने आदिवासी समुदाय के लोगों को जागरूक करते हुए साबुन से हाथ धोने, मुंह पर मास्क लगाने एवं बातचीत के दौरान 2 मीटर की दूरी बनाकर रहने की बात कही। लॉकडाउन के कारण कई गरीब परिवारों के बीच रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। वहीं लॉकडाउन में असहाय लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भागलपुर पुलिस काफ़ी गंभीर है और पुलिस कप्तान आशीष भारती के निर्देश पर सभी पुलिस पदाधिकारी और जवान जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। इसी कड़ी में हेडक्वार्टर डीएसपी ओम प्रकाश अरुण और बरारी थाना पुलिस ने एक स्कूल के सौजन्य से बरारी के मुसहरी बस्ती में निर्धन परिवारों के बीच पहुंचकर राहत पैकेट बांटा। राहत पैकेट बांटने के दौरान डीएसपी ओम प्रकाश अरुण ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की बात कही। साथ ही लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील भी की। वहीं नुसरत वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गनीचक इलाके में जरूरतमंद लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। सोसाइटी के महासचिव मौलाना जाहिद हलीमी कासमी ने खुद घर घर जाकर गरीब परिवारों की सहायता की और लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने की बात कही। इधर यूनियन बैंक स्टाफ क्लब की ओर से वार्ड नंबर 10 के हरिजन टोला और वार्ड संख्या 11 के तांती टोला के असहाय लोगों के बीच सूखा राशन वितरण किया गया। बैंक कर्मियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसके लिए एक दिन पूर्व ही लाभुकों के बीच टोकन का वितरण किया। वहीं शुक्रवार को जो लोग टोकन लेकर काउंटर पर पहुंचे, उसे क्लब के बालकृष्ण पोद्दार, शैलेश कुमार और रवि कुमार ने राहत पैकेट दिया। वहीं यूनियन बैंक के बालकृष्ण ने कहा कि आगे भी समाज के जरूरतमंद लोगों की सेवा जारी रहेगी। मौके पर राशिद अनवर, राजीव कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। लॉकडाउन को देखते हुए स्टाफ रिक्रिएशन क्लब के तरफ से कुछ टोकन का वितरण 2 दिन पूर्व कराया गया था, जिसका राशन दुकान से आज सभी को लाभुक को राशन उपलब्ध कराया गया और सभी से अपील की गई कि सभी लोग अपने घर में रहें और लॉकडाउन का पालन करें। कोरोना वायरस की महामारी को देखते हुए शुक्रवार को पंचायत राज लेखापाल संघ ने अपने एक दिन के मानदेय की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया है। संघ के अध्यक्ष सुकेश कुमार के नेतृत्व में कई सदस्यों ने इसको लेकर डीडीसी सुनील कुमार से मुलाकात की और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राशि ट्रांसफर करने की बात कही। इसके बाद सभी लेखापालों ने अपने अपने मानदेय से एक दिन की राशि की कटौती कर सीएम रिलीफ फंड में जमा कराने का आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा। सुकेश कुमार ने कहा कि कोरोना महामारी से पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं और इसे लड़ने के लिए सभी को एकजुट होकर हर संभव प्रयास करना होगा। इस मौके पर निशांत कुमार, मोहम्मद परवेज आलम, मणिभूषण दास एवं राजीव कुमार मौजूद थे। हम लोग के आपसी सहमति से COVID-19 जो महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, हम लोग के तरफ से भी एक छोटा सा योगदान माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का निर्णय लिया गया। संघ के सभी सदस्य द्वारा ये सहमति देने के बाद ये निर्णय हम लोगों ने लिया है। कहलगांव अनुमंडल के सनहोला में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस विधायक सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश ने पूरे गांव को सैनिटाइज कराया। इस दौरान ग्रामीणों के बीच कोरोना से बचाव को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। वहीं सभी ग्रामीणों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साबुन एवं मास्क का वितरण किया। शुभानंद मुकेश ने गांव के लोगों से साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने की बात कही, जिससे संक्रमण से बचा जा सके।